क्लास 11th एनसीईआरटी बाइनोमियल थ्योरम में एक्सरसाइज 8.1 हम लोग यहां पे देखेंगे एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइजेस 1 to 5 तक जो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको आपको एक्सपेंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम में एक्सपेंड करना है हमको बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है 1 - 2x^5 इसको एक्सपेंड करना है। हमको पता है यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं, n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए n से 0 a^n b^0 b^0 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से n से 1 a^n-1 यहाँ पे a की पावर एक एक कम होती जा रही है, b की पावर 0 से स्टार्ट होकर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से n से 0 nc1 nc2 कहां तक करेंगे, लास्ट टर्म तक, जहां पे ncn a^0 मींस यहां पे 1 आ जाएगा b^n आ जाएगा। इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड फिफ्थ प्रॉब्लम करेंगे, बाकी की आप प्रैक्टिस करिएगा। तो अब इसको देखते हैं, यहां पे a की जगह क्या है, a की जगह 1 है, b की जगह यहां पे -2x है और इसको एक्सपेंड करना है। n की जगह कितना है, n की जगह यहां पे 5 है, तो इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5c0 a यानी कि 1^5 b यानी कि -2x^0 प्लस 5c1 a की पावर कम होती जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि a की जगह 1 है, 1^4 -2x^1 प्लस 5c2 1^3 -2x^2 नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 5c3 1^2 -2x^3 प्लस 5c4 1^1 -2x^4 अब आएगा लास्ट टर्म 5c5 1^0 -2x^5। यहाँ पे देखिए ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, इनकी वैल्यू हमको पता होने चाहिए। जैसे कि 5c0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ncr क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन r, r की जगह क्या है यहाँ पे 0, फैक्टोरियल n माइनस r, 5 - 0 मींस 1, 5c0, nc0 क्या होगा, 1 होगा। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, ये किसके बराबर होगा, ये 5c5 के बराबर होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि ncr होता है nc n-r, तो 5c5 क्या हो जाएगा, 5c5-5 यानी कि 5c0। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पे देखे हम निकाल सकते हैं 5c1 क्या हो जाएगा, 5 को एक बार, नीचे 1 को एक बार, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। यही किसके बराबर होगा, 5c4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनका डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1, तो 5c4 हो जाएगा 5c1 के। इसी तरीके से देखिए 5c2 क्या हो जाएगा, ये 5c3 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 के बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गए। इसमें खास बात क्या है नोट करने की, देखिए 5c0 और 5c5 इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। अगर हम आगे से चले या पीछे से चले, बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होती जाती है। जैसे ये इसके बराबर है 5c5 के, 5c1 किसके बराबर होगा, ये 5c4 के बराबर है। इसी तरीके से 5c2 जो है 5c3 के बराबर है। तो अब देखिए इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 1 - 2x^5 इक्वल्स, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यूज पुट कर दें, ये हो जाएगा 5c0 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -2x^0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो पहला टर्म इसका आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 5c1 है, किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो क्या आ जाएगा, +5 -2x प्लस 5c2 किसके बराबर है, 5c2 10 के बराबर है, यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा +10 -2x^2 प्लस 5c3 किसके बराबर है, 5c3 भी 10 के बराबर है, तो 10 × ये आ जाएगा -2x^3 प्लस 5c4 5c1 के बराबर है, यानी कि ये 5 के बराबर है, ये आ जाएगा 5 - 2x^4 प्लस 5c5 1 के बराबर है, तो यह आ जाएगा 1 × -2x^5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -10x, ये आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए b जो है -2x है, तो ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस साइन यहाँ पे आएंगे। अगला साइन क्या होगा, स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो जाएगा 40x^2, ये आपका आ जाएगा माइनस, फिर आएगा 80x^3, फिर प्लस आएगा 80x^4 -32x^5।
तो ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पे कुछ खास बातें और नोटिस कर सकते हैं, आपसे सपोज पूछा जाए मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या हो जो कि बीच वाला टर्म हो, तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म क्या हो जाएगा जो आप अगली एक्सरसाइज में आपको लगाना पड़ेगा प्रॉब्लम। तो मिडिल टर्म क्या होगा, एक एक करके हम यहाँ से हटाते जाए, फर्स्ट फर्स्ट ये दो टर्म इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो बचे क्या, यहाँ पे दो मिडिल टर्म बचे। देखिए यहाँ पे पांच यहाँ पे पावर है, तो यहाँ पे कितने टर्म होने चाहिए, एन प्लस वन यानी कि फाइव प्लस वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म है। जब भी पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे और क्या होगा, दो मिडिल टर्म होंगे। आगे की एक्सरसाइज में हम लोग इसको बिना एक्सपेंड किए मिडिल टर्म निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिफ्थ प्रॉब्लम हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है हमको एक्सपेंड, यहाँ पे करना है x प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर सिक्स। यहाँ पे देखिए सिक्स है, n की वैल्यू इवन है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, सिक्स प्लस वन, यहाँ पे सेवन टर्म्स होंगे, यानी कि मिडिल टर्म आप देखेंगे आएगा इसमें एक टर्म आएगा, तीन एक साइड में, तीन एक साइड में, एक बीच में आएगा। इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, a प्लस बी टू दी पावर एन इक्वल्स दिस। अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा, n की जगह 6 है, 6c0 a टू दी पावर n, a टू दी पावर यानी कि यहाँ पे ये a है ये b है, 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 b टू दी पावर 0 यानी कि 1 प्लस 6c1 x टू दी पावर 5, 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 प्लस 6c2 x टू दी पावर 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 x क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 6c4 x टू दी पावर 2, 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 6c5 x टू दी पावर 1, 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 प्लस 6c6 x टू दी पावर 0 यानी कि ये 1 वैल्यू आ जाएगी, 1 बाई एक्स टू दी पावर 6। अब देखिए इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा x टू दी पावर 6 प्लस 6 x टू दी पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 6। तो यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। अगर मिडिल टर्म देखा जाए तो देखिए तीन एक साइड में और तीन एक साइड में, मिडिल टर्म कौन सा बचा, ये वाला टर्म मिडिल टर्म बचा। एक बात और यहाँ पे देखिए, ए में क्या है, एक्स है न्यूमरेटर में, बी में वन अपॉन एक्स है, तो ये मल्टीप्लाई होके एक जगह पे अपने आप को कैंसिल भी कर रहा है, तो ये जो टर्म आ रहा है ये क्या हो रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आगे की एक्सरसाइजेस में इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स है जिसमें हमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना होगा, उसमें हम बिना एक्सपेंड किए फॉर्मूले की मदद से डायरेक्टली निकाल लेंगे।